So hey, what is up everyone, this is Ashit, welcome back to a new video. इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 reasons why you should not join I am Rohtak, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन मत करो या फिर बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ये चीज बेकार है। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बताऊँ 3 reasons जिससे आपका डिसीजन और क्लियर हो जाए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको सिलेक्शन होता है तो आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या फिर आप अप्लाई ही ना करो ये सब चीजें देख के। क्योंकि देखो, सबके एडमिशन लेने से पहले कुछ क्राइटेरिया होते हैं मन में, कुछ चीजें उनकी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी कॉलेज लाइफ से, अपने कॉलेज से। तो मैं इसलिए रीजन बता रहा हूँ कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से वो चीजें मैच नहीं कर रही है तो आप अप्लाई मत करो, एंड अगर मैच कर रही है आपके एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल डेफिनेटली अप्लाई करो। तो ये मैंने बेसिकली पूरी सीरीज निकाली थी कि मतलब डिफरेंट कॉलेजेस का मैं बताता हूं, 3 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट अप्लाई, 3 रीजंस व्हाई यू शुड डेफिनेटली अप्लाई, या फिर 5 शॉकिंग फैक्ट्स, 5 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दिस कॉलेज। तो मैंने और भी कॉलेज का बनाया, आई एम इंदौर का बनाया, बहुत अच्छी वीडियो हुई, एंड और भी कॉलेज का बनाने का सोच रहा हूं। तो ये पूरी सीरीज है, आपको किसी कॉलेज के बारे में रिकमेंडेशन है इस सीरीज में तो ड्रॉप कर दो, उस कॉलेज के ऊपर भी ऐसे में फैक्ट्स वगैरह, 3 reasons why you should not join, why you should join, ये सब मैं बना दूंगा वीडियोस अच्छे अच्छे। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं इंदौर के बारे में जल्दी से। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। फर्स्ट रीजन विल बी कि रोहतक डजंट हैव मच फैसिलिटीज और प्लेसेस टू हैंग आउट, ठीक है। इन शॉर्ट समझाऊं आपको तो आपकी जो सोशल लाइफ है थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि देखो मैं अभी बॉम्बे गया था, ठीक है, मैंने एक मंथ पूरी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की, तो जो मेरा सोशल लाइफ एक्सपोजर मिला, ठीक है, क्योंकि देखो रोहतक में ना रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए या फिर कोई भी कैफेज वगैरह या फिर जो आपकी प्लेसेस हैंग आउट करने की बहुत कम है, ठीक है, बहुत आउटर एरिया में आते हैं। हाँ ये बात है कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 घंटे, लेकिन आपको पता है कॉलेज जब चल रहे होते हैं आपको टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, ठीक है, कि आप इतनी दूर ट्रैवल करके हर रोज दिल्ली जा पाओ घूमने। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी सिटी में जैसे बॉम्बे में हो गए, आप दिल्ली में हो गए या फिर आप बैंगलोर में हो गए, तो आपकी जितनी भी प्लेसेस हैंग आउट करने की, चिल करने की, इवन सिर्फ हैंग आउट या फिर चिल करने की, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें भी, हॉस्पिटल्स वगैरह या कोई भी, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जो मेन सिटीज होती है उनमें बहुत पास में होती है। तो जैसे जो मेरे 1 month था मुंबई में अभी ऑफलाइन क्लासेस का, तो मुझे उसमें एक्सपोजर सोशल लाइफ मिली, वो मतलब अनमैचेबल मुझे लगी, ठीक है, मतलब मेरे को बहुत मजा आया। इंशोर मतलब ऐसा था कि मतलब एक मंथ मैंने इतना मजे किए, इतना सोशल लाइफ वगैरह घूमा, एंड सिर्फ घूमने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। देखो एक चीज बताता हूँ, कॉलेज लाइफ में हर चीज जरूरी होती है, कॉलेज पढ़ने के लिए होती है, वो ऑब्वियसली हर टॉप कॉलेज में होता है, पढ़ाई वढ़ाई हो गई, प्लेसमेंट्स हो गई, लेकिन एक फैक्टर बहुत बड़ा मेन होता है एक्सपोजर का, सोशल लाइफ का, क्योंकि ये चीजें आप लोग कितना लोगों के साथ बाहर जा रहे हो, कहाँ कहाँ घूम रहे हो, आपको कैसे लोग मिल रहे हैं, वो भी आपको एक डेवलप करती है एक वे में, ठीक है। आप 3 साल बाद निकलते हो, आपको जॉब के लिए जाते हो, सिर्फ इंटरव्यू और आपके मार्क्स नहीं देखते, आपकी डिग्री भी देखते, आपकी पर्सनैलिटी भी देखते हैं वो, एंड आपकी पर्सनैलिटी तभी डेवलप होगी जब आप ज्यादा बाहर जाओगे, अच्छी जगह में बाहर जाओगे, आप घूमोगे लोगों के साथ, इंटरेक्ट करोगे। आप रोहतक में रहोगे तो एक ही पॉइंट रहेगा, मतलब ये नहीं बोला कि बिल्कुल ही गलत रहेगा, ये वो रहेगा, ऑब्वियसली रोहतक का क्राउड अच्छा है, आपको इनसाइड कैंपस बहुत सारे एक्सपोजर मिलना है, नो डाउट, बट जैसे आपको हैंग आउट करने के लिए प्लेसेस कम है, सोशल लाइफ थोड़ी कम रहेगी, आप देखा जाए तो पार्टीज वगैरह कम रहेगी, ठीक है। एंड देखो कॉलेज में लोग बोलते पार्टीज नहीं, क्या बोल रहे हो, वो पार्टीज वगैरह जरूरी होती है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी होता है, आगे जाके बहुत काम आती है चीजें। तो इन शॉर्ट आपकी सोशल लाइफ कम रहेगी, और काफी लोग कॉलेज से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उन्हें स्कूल तक बहुत पढ़ाई करनी है, उनको कॉलेज में बहुत मजे करने हैं, पार्टी वगैरह करनी है, लोगों से मिलना है, बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा। सेकेंड पॉइंट विल बी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपका 5-year कोर्स। देखो आपका आई एम रोहतक का पूरी डिग्री मिला के अगर आप IPM कर रहे हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपका पड़ेगा ऑलमोस्ट 30-35 lakhs पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे है। आपकी जो पैकेज लगेगा आई एम रोहतक का, वो सेम लगता है जो आपके MBA के स्टूडेंट है, ठीक है, इतना पैकेज मिलेगा आपके MBA के स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएट, उतना ही IPM वालों को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड उनको फीस दे रहे हैं बिल्कुल हाफ दे रहे हैं आपसे, एंड आप फीस दे रहे हो 30-35 lakhs 5 साल के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप एक चीज कर सकते हो, आप अपने अंडर ग्रेजुएशन 3 साल कर लो किसी नॉर्मल कॉलेज से, ठीक है, DU वगैरह का, या फिर इसकी फीस वगैरह कम है, क्राइस्ट वगैरह 3-4 लाख में हो जाता है, उसके बाद आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो IIMC। एक और चीज है इसमें कि आप IIM रोहतक के अलावा भी और भी किसी कॉलेज में, अहमदाबाद, बैंगलोर, इसमें क्या होगा कि आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो आपकी फीस उधर कम लगेगी, एंड आपको जितना मेन पैसा है आप लगाओगे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी और भी अच्छे IIM से कर सकते हो जो भी। तो इन शॉर्ट ये बोल रहा हूं कि आपका काफी ज्यादा मनी मतलब कॉस्टली पड़ेगा आपको ये IIM रोहतक का IPM प्रोग्राम, एंड उसकी सैलरी पैकेज उतनी लगती है जो MBA वालों की लगती है। एंड IIM इंदौर पे एक IPM है जिस एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, उधर लोग मान के जाते हैं, उधर वर्थ इट रहता है उतना करना, लेकिन IIM रोहतक एक तो भी नया है, ठीक है, बहुत नया प्रोग्राम है,
तो अभी कुछ कह भी नहीं सकती कितना उसका पैकेज जाने कितना नहीं जाने, क्योंकि उनका जो फर्स्ट बैच है वो 19 में भी आया है, तो उनका भी फर्स्ट बैच ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, तो कुछ आइडिया नहीं है किसी को। ऑब्वियसली आईएम का टैग है तो प्लेसमेंट वगैरह इतना नहीं बेकार लगनी है, वो खराब लगनी है, कुछ गारंटी भी नहीं है कि आईएम इंदौर जैसा निकलेगा उनका लाइक बैच। तो ये बोलूंगा कि अगर आपके पास इतना है कि फाइनेंशियल आप बहुत अच्छे हो, कंडीशन आपकी अच्छी, आप डेफिनेटली आईएम रोहतक कंसिडर करो, जा सकते हो आईपीएम प्रोग्राम के लिए। अगर आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लोन वगैरह लेना पड़ रहा है, आपको ये सब करना पड़ रहा है, मैं बोलूंगा ये सब फिर आप अपने मास्टर्स के लिए सेव कर लो, आप अभी अपनी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन किसी नॉर्मल कॉलेज से कर सकते हैं। एंड गाइस मैं आपको अमेज़न के बारे में बता जाऊंगा, अभी अमेज़न में एक तो सेल चल रही है अभी, तो आप ये देख सकते हैं। मैंने अमेज़न से रिसेंटली ये जैकेट परचेज की जो कि बहुत ज्यादा डोप लगी मेरे को, टू बी ऑनेस्ट मेरे को प्यार हो गया इस जैकेट से। तो अगर आपको सेम जैकेट परचेज करनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हो, वरना आप अमेज़न में डायरेक्ट चेकआउट करो, तो सेल चल रही है, बहुत सारे अच्छे ऑफर चल रहे हैं क्लोथिंग पे, ग्रूमिंग पैन और भी सारी चीजों पे। तो जाओ और चेकआउट करो अमेज़न को अभी की अभी। थर्ड पॉइंट विल बी डिग्री। देखो ये मैंने सेम चीज आई एम इंदौर वाले में कही थी, तब काफी लोगों ने बोला अरे क्या है ऐसे कुछ नहीं होता ये वो, लेकिन आपको डिग्री मिलती है बीए फाउंडेशन इन मैनेजमेंट की, ठीक है, आईपीएम प्रोग्राम में, ठीक है, बीबीए की नहीं मिलती है। बीबीए प्लस एमबीए लोग बोलते नहीं, वो बीए फाउंडेशन मैनेजमेंट प्लस एमबीए होता है। मैं बोलूंगा बीबीए की वैल्यू तब भी ज्यादा है क्योंकि वो इंटरनेशनली जानते हैं लोग, इंटरनेशनली उसकी वैल्यू ज्यादा है, मैंने काफी रिसर्च की तभी बोल रहा हूँ, काफी लोगों से पूछा तभी बोल रहा हूँ मैं। एंड एक और चीज की, जैसे अगर आप 3 साल बाद एग्जिट कर सकते हो आईपीएम प्रोग्राम से, ठीक है, आप उसके बाद लाइक किसी टॉप आईएम पे अप्लाई करना है आपको, आईएम एबीसी, तो उधर भी अप्लाई करके जा सकते हो, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी जो डिग्री निकलेगी बीए फाउंडेशन मैनेजमेंट की निकलेगी, और साथ में फिर आप कहीं से एमबीए करोगे, बाहर से भी करो तो एमबीए। तो अगर आप किसी और टॉप कॉलेज से कर रहे हो अभी, फॉर एग्जाम्पल आप एनएमआईएमएस से कर रहे हो, ठीक है, शहीद सुखदेव से कर रहे हो, तो आपकी 3 साल की डिग्री रहेगी बीएमएस या फिर बीबीए की रहेगी, जो नॉर्मल डिग्री है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। साथ में फिर आप एमबीए अपने कर सकते हो किसी और कॉलेज से, लाइक किसी टॉप आईएम से और किसी से, या फिर आप कहीं फॉरेन का सोच रहे हो तो वो भी कर सकते हो, आपकी डिग्री फिर अच्छी ज्यादा दिखेगी, लाइक बीबी बीएमएस प्लस एमबीए, तो आपके जो एक सीवी में दिखेगा बहुत अच्छी चीज होगी। सेकेंड चीज आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, अगर आपकी जो वैल्यू होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी बीए फाउंडेशन मैनेजमेंट से। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोगों को पता नहीं होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि बीबीए डिग्री नहीं मिलती बीए फाउंडेशन मैनेजमेंट मिलती है। तो अगर आप 3 साल बाद एग्जिट कर रहे हो तो आपको बीए फाउंडेशन इन मैनेजमेंट मिलेगी, आपको बीबीए की डिग्री नहीं मिलने वाली। लेकिन ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि बीए फाउंडेशन मैनेजमेंट खराब है, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, आईएम का टैग बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ऐसे छोटी बात नहीं है। लेकिन आपको मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर रहा हूं, एंड एक चीज बता रहा हूं, आईएम रोहतक इक्विवेलेंट है शहीद सुखदेव, शहीद सुखदेव तो बड़ा हो गया, आईएम इंदौर के इक्विवेलेंट है अपना, आईएम रोहतक मतलब मान लो सिम्बायोसिस या फिर एनएमआईएमएस हो गया, इन सब के इक्विवेलेंट आते हैं, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इवन मैं मतलब मेरा पर्सनल चॉइस मेरा एनएमआईएमएस था ओवर आईएम रोहतक, क्योंकि मुझे लगा सिटी ओवर मुंबई एक्सपोजर मिल रहा है। एंड अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो वो ऐसा है कि उधर आपके पैसे भी तो ज्यादा जा रहे हैं, 5 साल आपको इन्वेस्ट करने अपने, इधर आपको 3 साल इन्वेस्ट करने, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, आपको वो कंसिडर करने पड़ेंगे अपने एडमिशन के टाइम। आपको पहले तो पढ़ाई करनी है, हर जगह सिलेक्ट होना, उसके बाद फैक्टर कंसिडर करना, एंड जितने भी फैक्टर्स कंसिडर करने आपकी हेल्प करूंगा मैं, ठीक है। मतलब मैंने और भी एनएमआईएमएस जितने भी टॉप कॉलेज है आपके 12th के बाद, उन सबके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, कोर्सेज के ऊपर बनाता रहता हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर लो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड आपके कोई और कॉलेज के ऊपर भी रिकमेंडेशन है, ऐसी वीडियो बनाओ फैक्ट या फिर 3 reasons why you should not JEE, जो भी आप ड्रॉप कर देना, एंड आप बाकी कॉलेज के रिलेटेड भी देख सकते हो, आईएम की प्लेलिस्ट है, एंड बाकी एनएमआईएमएस, क्राइस, सिम्बायोसिस, डीयू, सीयू सेट की प्रिपरेशन कैसे करनी, आईपी मैट की सारी टिप्स वगैरह आपको इस चैनल पे मिलेगी। मतलब देखो ऐसा मैं कोई कोचिंग तो चलाने का, लेकिन मैं ऑब्वियसली अपने जो मेरे अभी 2 साल पहले सारे एंट्रेंस निकाले तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो आप मान सकते हो एक सीनियर आपको कुछ टिप्स दे रहा है, ठीक है, ये सर्वर जरूरत नहीं, आपको एक सीनियर बैठे टिप दे रहा है। एंड ब्लेजर वगैरह मैंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि मेरी अभी कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह थी कॉलेज की, वो देख के आ रहा हूँ, वरना मैं इतना तैयार वगैरह से ब्लेजर में नहीं आता जनरली। तो बस आई होप आपकी वीडियो यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, है तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू न्यू टू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, फॉलो भी कर लेना। कुछ भी रिकमेंडेशन वगैरह किसी भी वीडियो, किसी भी एंट्रेंस हो गया, या फिर आपका कॉलेज हो गया, या फिर कुछ भी आपकी स्टडी टिप्स के रिलेटेड, स्टूडेंट फाइनेंस वगैरह हो गया, या फिर मैं मतलब व्लॉग्स भी डालता रहता हूँ बढ़िया बढ़िया कॉलेज, कुछ भी रिकमेंडेशन है ड्रॉप कर दो कमेंट में, वीडियो आ जाएगी। तो बस चले मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।